कोविड से पहले और बाद में जो ऑनलाइन और डिजिटल रिसोर्सेज एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कोविड ने ये हमें लर्निंग दी है कि जब असेसिबिलिटी नहीं है, हम स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाए थे, तो डिजिटल वर्ल्ड ने, टेक्नोलॉजी ने हमारी हेल्प की थी। तो उस एक्सपीरियंस से जो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी डिजिटल इनिशिएटिव इन एजुकेशन लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए कंबाइंड भी लिए, बहुत तरह के हैं। और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी हैं, मिनिस्ट्री है, यूजीसी है ना, जितनी भी बॉडीज़ हैं, एजुकेशन बॉडीज़, जिनका भी काम होता था उनको इकट्ठे करके जो भी पर्पज़ के लिए चाहिए था वो बनाया गया। तो इस वीडियो में सिर्फ मोटे मोटे जो इकट्ठे करके मैंने जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ई यंत्रा है, और भी आगे कहीं आएंगे, तो उसके मोटे मोटे एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे हैं कि किस में किसका पर्पज क्या था, किसका पर्पज क्या था। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली कैसे पूछे जाते हैं ये समझ लेना कि फॉर एग्जांपल पूछा जाएगा, पिछली बार भी आया था, पर्पज ऑफ स्वयं है ना, स्वयं प्रभा। तो थोड़ी थोड़ी नेचर समझने के लिए ये वीडियो है, क्योंकि अगर आपने डिटेल में समझना है अच्छा तो वही है, तो फिर स्वयं पर डिफरेंट वीडियो, स्वयं प्रभा पर डिफरेंट वीडियो, वो सारे हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पर डिफरेंट वीडियो, ई यंत्रा पर डिफरेंट वीडियो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले बना रहा हूँ। इस डिजिटल रिसोर्सेज जो एजुकेशन के हैं वो डिस्कस करने लगे हैं, MCQ क्वेश्चन सिर्फ। विच डिजिटल एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑफर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स टू अर्न क्रेडिट्स, कौन सा है, स्वयं है, स्वयं प्रभा है। अच्छा, सभी नाम हिंदी वाले ही होंगे, ये भी होगा। स्वयं है, स्वयं प्रभा है, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है, ई यंत्रा है। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि लाइब्रेरी पर डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये न्यू इनिशिएटिव है, इस पर पूछे जा सकते हैं। लेकिन MOOC जो है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, 2008 में कनाडा में जो इसके लिए ये शुरू किए गए थे, लेकिन आज सारे वर्ल्ड में है, तो ये हमारे इंडिया में इससे रिलेटेड है। स्वयं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इनको रख सकते हैं। मैं साथ साथ में बताऊंगा कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्या नहीं। विच डिजिटल एजुकेशनल इनिशिएटिव, कौन सी डिजिटल शिक्षक पहल छात्रों को टीवी पर डिजिटल कार्यक्रम देखने के लिए अनुमति देती है। तो यहाँ सेंट्रल आइडिया क्या है, अब इतने लर्न नहीं हो सकते, वीडियो क्यों बनाया है, क्योंकि एक जो सेंट्रल या दो वर्ड पकड़ के हम राइट आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं वो इसलिए है। यहाँ पर उसका आंसर क्या है कि टेलीविजन, टेलीविजन का जो है वो स्वयं प्रभा ही है। स्वयं प्रभा पर 34 एजुकेशनल चैनल है, 1 से लेके 12 तक अगर क्लासेस है तो एक क्लास के लिए एक चैनल है, ऐसे डिवोटेड है। तो 34 चैनल हैं। इस हायर लेवल के जो कंपटीशन है वो पूछे जा सकते हैं कि चैनल नंबर 6, चैनल नंबर 22, ये किस पर्पज के लिए और कौन सी इंस्टीट्यूट चलाती है, ये मेन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ जो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाते जिस टेस्ट में, उसमें ऐसा ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संसाधन अनेक विषयों पर ई सामग्री, अब ई सामग्री को करेंगे तक पहुंच प्रदान करता है, पहुंचाता है बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक, किन्हीं भी लर्नर्स तक, कौन सा है इनमें से, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, वैसे भी कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, EPG पाठशाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इतने डिजिटल रिसोर्स है कि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होंगे, उसका दूसरा तीसरा पार्ट आएगा कि हर जो है डिजिटल इनिशिएटिव है उस पर एक एक दो दो क्वेश्चन आपको मिल जाए, है ना। ई शोध गंगा है ना, तो कहाँ पर जाना है, शोध इसके वर्ड पर जाना है, गंगा, गंगा जो बह रही है, सोर्स है, हमें देती है, ई शोध शुद्धि है ना, इसके मीनिंग जब समझ लोगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो जो रिसोर्स प्रोवाइड असेस क्या करवाएंगे, तो वो लाइब्रेरी है, राइट आंसर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसको ई जो लाइब्रेरी का काम ही यही होता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI इज वर्चुअल रिपोजिटरी है ना, भंडार, आभासी भंडार, अंडरलाइन वो कर लूं जिस पर क्वेश्चन आ सकता है, ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विच इज नॉट जस्ट रिपोजिटरी विद
सर्च और ब्राउज फैसिलिटी, मतलब कि सर्च कर सकते हैं, नंबर एक ये हो गया। एंड प्रोवाइड होस्ट सर्विस फॉर द लर्नर कम्युनिटी, इट इज स्पॉन्सर्ड एंड मेंटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पूछा जा सकता है। बाकी इस पर डिटेल वीडियो वो है 10-15, उसमें क्वेश्चन होंगे, वो भी इजी है, वो देख लीजिए तो अच्छा है, क्योंकि वो पार्ट है आपके सिलेबस का, उस पर पूछे ही जाते हैं। अब नेक्स्ट है, कौन सी डिजिटल शैक्षणिक पहल शोधकर्ताओं को, ये हमने वर्ड ढूंढ लिया, शोधकर्ताओं के लिए भारतीय थीसिस, जो पीएचडी करते हैं वो जो डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको थीसिस बोलते हैं, के भंडार के रूप में कार्य करती है, तो कौन करेगा ये शोध, आ गया ना। तो अब हिंदी में, इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा था, विच एजुकेशन रिसोर्स सर्व एज ए इंडियन थीसिस रिसर्च, ये रिसर्च वर्ड का, रिसर्चर वर्ड का हिंदी है शोधकर्ता, और हिंदी में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी डिजिटल रिसोर्सेज के नाम रख रही है। तो आपने हिंदी में और पंजाबी में ये देखना है कि इसका मतलब क्या है, पंजाबी में शायद नहीं होगा, हिंदी में होगा। तो शोध जो जिसका वर्ड है नेचुरली बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये शोध नहीं दिखा रहा, ई पाठशाला में हम पढ़ते हैं दिखाई देता है ना, तो शोध गंगा है, शोध शुद्धि है। अब जो गंगा है उसमें आप नहाते हो, है ना, उससे प्राप्त करते हो सीधा, शोध शुद्धि में जो आप की गलतियां की है उसको सुधारते हो। यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो है शोध गंगा, क्योंकि शोध गंगा पर जब आप पीएचडी करते हो तो आपका थीसिस, उसके सारे चैप्टर जो है ऑनलाइन सबमिट हो जाते हैं। मेरी पीएचडी आप देख सकते हो, वहाँ पड़ी होगी, आपको मिल जाएगी, आप सर्च करोगे तो जिस भी टॉपिक पर आपने देखना है कि इस टॉपिक पर कितनी रिसर्च हुई है, तो आप शोध गंगा पर जाओ, वहाँ पर फुल थीसिस आपका, पिछले थीसिस पढ़े होंगे वहाँ पर, आप स्टडी कर सकते हो। तो ये रिसर्चर्स के लिए है, ये रहा शोध गंगा, है ना। शोध शुद्धि कुछ और आगा, आगे चल के बताता हूँ जब इसका वर्ड आता है। कौन सा संसाधन पूर्ण पाठ ई संसाधनों तक पहुँच प्रदान करता है। अब ये रहा कि कौन सा संसाधन है पूर्ण पाठ ई संसाधनों को पहुंच, ये वाली बातें किस में आएंगी। अब इसका आंसर क्या है, तो नेशनल, क्योंकि ये आ गया रिसोर्स है फुल टेक्स्ट रिसोर्स, हाँ लाइब्रेरी कंफ्यूज कर सकती हो, ये वहाँ पर राइट आंसर नहीं है। ई जी पाठशाला, वहाँ पर ये टीचर है, नेचुरली वहाँ पर ऐसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी। शोध गंगा, वहाँ पर टोटल थीसिस पढ़े हैं, ये भी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन राइट आंसर क्या है, शोध आ गया, शोध फिर ई, साथ में यहाँ था ई, ये रहा ई, इंग्लिश में ये रहा ई, वहाँ पर ई नहीं है, ई शोध है सिंधु, ये सिंधु है, सिंधु, शोध गंगा, शोध सिंधु और शोध जो था शुद्धि, है ना, पवित्र करना, ठीक करना, इट मीन्स गलतियों को ठीक करना, वो जब प्लेगरिज्म की बात आएगी वहाँ करेंगे। तो ये यहाँ पर डी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है, विच डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्स, कौन सी डिजिटल शैक्षणिक पहल एम्बेडेड सिस्टम में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करती है। तो यहाँ पर अंडरलाइन क्या करने वाला है, जो पीछे किसी भी डिजिटल इनिशिएटिव में नहीं आया, व्यवहारिक अनुभव, इसको कहेंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो वो कौन सा होगा, ई यंत्रा, हाँ शक कर सकते हैं, फोसिस है नहीं, इस पर भी शक करना होगा, स्पोकन ट्यूटोरियल, इससे लग रहा है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी, ये ऐसे है, ऐसे सोच रहे हैं, वर्चुअल लैब्स, लैब्स में वैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो ये सिंपल सोच के हम चले हैं, तो लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं, लैब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एम्बेडेड, ये भी हो सकता है, लेकिन राइट आंसर है ई यंत्रा। तो अब यहाँ पर उसकी डिटेल अगर नहीं समझ आती, नेचुरली है कि इस पर एक डिफरेंट वीडियो होगा जिसमें 10-15 क्वेश्चन होने चाहिए। ई यंत्रा क्या है ब्रीफ में, ई यंत्रा इज ए रोबोटिक आउटरीच प्रोग्राम फाउंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होस्टेड इन IIT बॉम्बे, ये क्वेश्चन का आंसर बनता है, IIT बॉम्बे इस पर काम करती है, रोबोटिक जो आउटरीच प्रोग्राम है, इसका गोल क्या है कि जो इंजीनियर, यंग इंजीनियर है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके टैलेंट को यूज़ करना,
फील्ड भी दिए गए हैं, लेकिन इस पर डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। विच डिजिटल एजुकेशनल इनिशिएटिव प्रमोट्स द यूज ऑफ ओपन रिसोर्स सॉफ्टवेयर एजुकेशन। अब ओपन रिसोर्स ये आ गया ओपन वर्ड, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं कि कहाँ रहा ये ओपन सोर्स है ना सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन। तो ध्यान से देखना, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो ऐसे करके देखो, ओपन एस सॉल्व एस ई, तो यहाँ पर ओ इससे ये मिल गया, एस से पहला एस मिल गया, दूसरा एस मिल गया, ई से ये मिल गया। अच्छा, ये डबल ई है, वहाँ एजुकेशन ही है, फुल फॉर्म में भी यही वर्ड इसके आएंगे अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है तो राइट आंसर यही है। फुल फॉर्म इसकी क्या है, फ्री अब्लीक लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, यही है। कौन सी डिजिटल शैक्षणिक पहल IET, यहाँ क्या लिखा है इंग्लिश में साथ में ज़रूर देखना होता है, कई बार सॉल्व IT ये रहा है ना, और ट्यूटोरियल ये वर्ड आ गया, एप्लीकेशन तो ये सॉल्व कर रहा है। यहाँ पर जो देखिए, ध्यान से देखिए कि ट्यूटोरियल यहाँ भी आ गया, स्पोकन ट्यूटोरियल यहाँ भी आ गया, नॉर्मली एंट्रेंस टेस्ट में ऐसी गलती हो जाती है, तो इजीली आप उसका उत्तर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है, विच रिसोर्सेज प्रोवाइड वेब एनेबल्ड एक्सपेरिमेंट्स डिजाइंड फॉर रिमोट ऑपरेशन। अब क्या नए वर्ड आए, रिमोट ऑपरेशन, तो दूसरा नया वर्ड क्या आया, नया वर्ड नए डिजिटल इनिशिएटिव को की तरफ हमारे ध्यान को लेके जाएगा और वो राइट आंसर ही लगभग होगा। तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट यंत्रा में होंगे, फोर्सेस में होंगे, ट्यूटोरियल में होंगे या लैब्स में होंगे, है ना, ये देखिए इजी हो गया ना, तो लैब्स में होंगे। नेक्स्ट है, राइट आंसर डी है यहाँ पर, विच पोर्टल ऑफर इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट्स एंड फ्रेश इंजीनियर्स, कौन सा, तो ये इंग्लिश वाला ज़्यादा सॉल्व कर रहा है, यहाँ पर नया वर्ड इंटर्नशिप पहले नहीं आया, तो इंजीनियर्स ये हो सकता है ना, मैं उसको फ्रेश इंजीनियर्स, नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल, देखिए सीधा आंसर पड़ा है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, समर्था विद्वान, तो ये नेक्स्ट वाले डिजिटल रिसोर्सेज हैं, यहाँ तक ये राइट आंसर सीधा मिल गया, कोई भी डिफिकल्ट नहीं ये रहा, कुछ डिफिकल्ट आ रहे हैं क्वेश्चन, कौन सा पोर्टल छात्रों के नए इंजीनियर के लिए इंटर्नशिप प्रदान करता है, पिछला क्वेश्चन है, कौन सा डिजिटल शैक्षणिक पहल ई गवर्नेंस, अब क्या नया वर्ड आया, ये बस ये मैं जुगतियाँ बता रहा हूँ आपके सामने, क्वेश्चन रखना बहाना है, ये मत देखना कि एग्जैक्ट से यही क्वेश्चन आएगा, आपने ढूंढना कैसे है ये सीख लो, तो कहीं भी जाओगे सीख लोगे। ई गवर्नेंस, साइकिल थ्रू डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना, थ्रू ई गवर्नेंस। तो अब यूनिवर्सिटी एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग समर्था, ये जो इसका नाम दिया गया है, एग्जैक्ट फुल फॉर्म इसकी एब्रिविएशन ऐसे नहीं बनती इसकी, ये समर्थ की ये समझ लेना, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा वो नहीं मिल रहा। विद्वान, नेचुरली विद्वान में एक्सपर्ट्स की बात की होगी, जो स्कॉलर्स की जो एक्सपर्ट हो चुके, एक्सपर्ट ही है मेरे पास तो आ रहा, शोध शुद्धि है ना, तो जो अपना थीसिस है, रिसर्च है, उसको शुद्ध कैसे करना है, गलतियाँ ज़्यादा तो नहीं बीच में डाली हुई, ऐसा कुछ देखना है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, नेशनल पॉलिसी 2020 ने भी इसको सजेस्ट किया है, तो ये रिजेक्ट हो रहे हैं ना, ये वाले रिजेक्ट हो रहे हैं, ये रिजेक्ट करके हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं समर्थ। इसका राइट आंसर ई गवर्नेंस, लाइफ साइकिल के साथ जोड़ रह सकते हो और ई गवर्नेंस के साथ जोड़ सकते हो। ई गवर्नेंस लिख के स की आवाज़ को समर्थ लिख लो, ई गवर्नेंस मरथ ऐसे जोड़ सकते हो, अदरवाइज कोई और आपके एब्रिविएशन, ABC इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है, विच डिजिटल एजुकेशनल इनिशिएटिव सर्व एज द एक्सपर्ट डाटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क। हिंदी में भी इसका ये पढ़ लीजिए आप, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है, तो मेन वर्ड मैंने क्या अंडरलाइन किया, ये नया वर्ड आया है, एक्सपर्ट डाटाबेस नेशनल रिसर्च नेटवर्क ये कह सकते हैं, तो मेन यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, विद्वान
है ना, इससे मैच कर रहा है ना एक्सपर्ट और विद्वान, तो अगर मुझे कुछ नहीं पता तो मैं राइट आंसर इसको चूज कर रहा हूँ। शोध शुद्धि है ना, थीसिस की रिसर्च की बात नहीं की, शोध की कोई भी बात नहीं आई, रिजेक्ट कर रहा हूँ। एकेडमिक क्रेडिट बैंक की बात, स्टूडेंट्स के क्रेडिट अर्न करने की बात नहीं हो रही, ये रिजेक्ट हो रहे हैं। तो राइट आंसर हमें बी मिल रहा है। नेक्स्ट है, हिंदी में भी साथ में करेंगे, विद्वान इज ए, नहीं अभी नहीं इसका करेंगे ना, वो फिर जो डिटेल में करना है वीडियो उसमें आप कर लेना, ये फिर लंबा हो जाएगा। अगर आप खुद पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो। अबाउट एक्सपर्ट, बैकग्राउंड, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, एक्सपीरियंस है ना, स्कॉलरली पब्लिकेशन, स्किल्स एंड अकम्प्लिशमेंट, ये जो है विद्वान, ये ऐसा डेटाबेस है कि जो रिसर्चर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी डेटा देता है, मेरे ख्याल में काफ़ी है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर प्लैगरिज्म, प्लैगरिज्म हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसको, क्योंकि हम पीएचडी कराते हैं, जब जैसे मेरे स्टूडेंट की पीएचडी सबमिट हुई अभी, तो यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी कहती है कि आप प्लैगरिज्म रिपोर्ट दीजिए। वो प्लैगरिज्म रिपोर्ट क्या है, उसको सिमिलैरिटी इंडेक्स भी कह सकते हैं, सिमिलैरिटी इंडेक्स, इंडेक्स मतलब कि जो इंटरनेट पर पढ़ा है ना, और जो मेरा रिसर्च का थीसिस है, आप उसको इजी भाषा में नहीं पसंद बताओ, जो मैंने बुक लिखी है एक रिसर्च पर, है ना, तो क्या उसमें नेट पर जो पढ़ा है, टेक्स्ट पढ़ी है, उसमें मैचिंग सिमिलैरिटी कितनी है। अगर वो 10% से ज़्यादा सिमिलैरिटी है, तो 10% मीन कि मैंने 10% सामान उसका उठाया है, मेरा नहीं है, एक तरह से ये चोरी हो गई। तो यूजीसी ने अलाउ किया है कि 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो प्लैगरिज्म सॉफ्टवेयर है, शोध शुद्धि यहाँ पर लिखा भी है, वैसे ऑरकुंड था पहले, तो इसकी पूरी एनालिसिस करके बता दूंगा बाद में। तो वो रिपोर्ट निकल आती है कि कितने परसेंट सिमिलैरिटी इन दोनों में है, उतना वो प्लैगरिज्म रिपोर्ट हो गई। तो प्लैगरिज्म रिपोर्ट अगर 10 से कम आती है, जैसे मेरे स्टूडेंट की, जसप्रीत मैडम की हुई, 1% आई है, तो वो जमा हो जाएगी। तो ऐसे शुद्धि का काम करते हैं कि जो चोरी तो नहीं की, गलतियां तो नहीं, दूसरे का सामान तो नहीं चुरा के रखा, टैक्स तो नहीं रखी, ये शुद्धि के साथ सीधा जुड़ता है। अगर इसको पता लगाने, साहित्य की चोरी, देखिए साहित्य के प्लैगरिज्म का मतलब अगर समझना है, प्लैगरिज्म का साहित्य की चोरी, कि दूसरे की टेक्स्ट का उसने जो काम किया था रिसर्च, मैंने चोरी करके अपने में लिख दी, इंडिया में बहुत चलता है, अभी भी चलता है। ओके, तो शोध शुद्धि ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसका वो साथ में ये क्यों लिखा था, PDS, प्लैगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, इसकी फुल फॉर्म ये हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच डिजिटल एजुकेशनल इनिशिएटिव प्रोवाइड अ स्टूडेंट एकेडमिक क्रेडिट रिपोजिटरी, तो ये तो सीधा हो गया, क्योंकि क्रेडिट वर्ड आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया नेशनल पॉलिसी वाला राइट आंसर, सीधा मिल गया। नेक्स्ट है, ये अभी नहीं करेंगे, वो एक आधा क्वेश्चन इस पर और होगा कि आपको समझ आ जाए, और पूरी जो वीडियो है ABC पर डिफरेंट मिल जाएगी। विच डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव एम टू प्रिवेंट प्लैगरिज्म एंड प्रमोट ओरिजिनल रिसर्च आउटकम, शब्दावली बदली है, आंसर पिछले वाला ही होगा, है ना, कौन सा, शोध शुद्धि, प्लैगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, यही है, शुद्धि याद रखना है। नेक्स्ट है, विच डिजिटल एजुकेशनल इनिशिएटिव ट्रैक्स रिसर्च आउटकम एट डिफरेंट लेवल्स, तो ये डिफिकल्ट है, इसमें से वो नहीं कोई मिल रहा, तो डिफरेंट लेवल्स पर जो आउटकम है, आउटकम कौन निकालता है, विद्वान ही निकालते हैं, विद्वान, ओके, डिजिटल इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है, विच डिजिटल एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑफर ए फैसिलिटी टू स्टोर, ट्रांसफर एंड रीडीम एकेडमिक क्रेडिट्स, सिंपल है, ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, हिंदी में साथ साथ में लेके चलते हैं, ये हो गया विच, अच्छा नंबर नहीं ना इसको दिए, काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने जल्दी में ये कर दिया। विच डिजिटल एजुकेशनल इनिशिएटिव इज डिजाइंड फॉर ई गवर्नेंस, फिर आ गया ना ई गवर्नेंस से क्या याद किया, ऐसे समर्थ इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज, तो पिछला जो लर्न किया था उसकी एक्सरसाइज मैंने ऐसे लर्न किया था, गवर्नेंस की आवाज़ से समर्थ, तो ये राइट आंसर यहाँ भी बन गया। मेरे ख्याल में पिछले कंसेप्ट थोड़े थोड़े लर्न हो गए होंगे,
कि नेक्स्ट वीडियो में बाकी दे दूं, कौन से डिजिटल शैक्षणिक पहल संस्थानों और विश्वविद्यालयों की ई गवर्नेंस के लिए हो चुका है। नेक्स्ट है, कौन सा संसाधन विशेषज्ञ डेटाबेस और राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क प्रदान करता है। तो ये आ गया क्या, विशेषज्ञ यहाँ पर आ गया, ये है ना विशेषज्ञ, विशेषज्ञ है ना, विशेषज्ञ कौन है, विद्वान मिलता है ना,